अब हम लोग करने जा रहे हैं इडोफा क्वेश्चन नंबर 2.165। बिल्कुल बहुत दुरुस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए प्लस डिफरेंट ओलंपियाड्स और नीट में थोड़ा इसको डिफरेंट करके, थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से ये सुनिए आप। फाइंड द डिफरेंस इन हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन टू कम्युनिकेटिंग वर्टिकल कैपिलरीज हुज डायमीटर आर D1 एंड D2 इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 138 डिग्री। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे ही आपको मिला क्या ऑब्ट्यूज, आप समझ गए कि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स होगा वी कोहेसिव होगा स्ट्रॉन्ग, मतलब कुछ इस तरह का मेनिस्कस बन के आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग का मेनिस्कस हमारा बन के आएगा। तो यहाँ का मान लेते हैं 2 है, यहाँ का मान लेते हैं 1 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस लिखा जाएगा P2 ज्यादा होगा P1 कम होगा, और ये कम कितना होगा 40 डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ मेनिस्कस होगा, ट्यूब नहीं होगा, ठीक है। अभी मेनिस्कस और ट्यूब के डायमीटर में फर्क क्या है, मान लो ये मेरा मेनिस्कस का स्फेरिकल सरफेस, ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा ना, तो ऐसे लिखा दिया हमने। यहाँ पे ये देखा जाए तो ट्यूब से इस जगह पे इंटरसेक्शन में है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, एक ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरफ दो एंगल आएगा, ये लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसके डायमीटर और इसके डायमीटर में रिलेट करूँ तो ऐसे देखो, इसका रेडियस ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा, तो पक्का कॉस का रिलेशन है, तो डायमीटर में भी कॉस का रिलेशन होने वाला है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 कॉस थीटा डिवाइड बाई डी, क्योंकि डी डैश की वैल्यू जो होगी, जो डी डैश होगा ये मेनिस्कस डायमीटर होगा, इसके डायमीटर का बाई कॉस थीटा होगा, तो इतना प्रेशर डिफरेंस लिखा जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिसका डायमीटर कम होगा वहां प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। अब यहाँ पर 1 बाहर को अगर मैं एटमोस्फेरिक बोलूँ तो P2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, P2 की वैल्यू लिखी जाएगी, वो P2 की वैल्यू लिखी जाएगी, P1 हो गया हमारा P0 और ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई डी, ठीक है, कॉस थीटा, इस तरह से लिखा जाएगा। इसका जो पतला वाला होगा वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, जो मोटा वाला वहाँ प्रेशर कम होगा। ये ज्यादा नीचे आ गया होगा, ये क्या हो गया होगा, ये ज्यादा नीचे आ गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, ऐसा आ गया होगा, ये ऐसा हो गया होगा, और ये थोड़ा कम आ पाया होगा, ऐसे ही रह गया होगा, ठीक है, ऐसा। अब कम्युनिकेटिंग वर्टिकल वेसल है, मतलब इसे लगा हुआ, मतलब यहाँ पे पूरे में एक ही फ्लूड है, ठीक है, फ्लूड स्टेशनरी है, फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक ही प्रेशर होना चाहिए, मतलब इस जगह पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, दोनों लिक्विड में यहाँ यहाँ प्रेशर सेम होना चाहिए क्योंकि लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है। ये इतना जो डिफरेंस हाइट का होगा ये इतना क्रिएटेड हो जाएगा, है ना, इस हाइट के डिफरेंस को हमें निकालना है। तो ये मान लेते हैं हमारा मोटू वाला हो गया 2 हो गया, ये हमारा पत्तू वाला हो गया 1 वाला हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस जगह का प्रेशर इसको मान लेते हैं ए और इस जगह को मान लेते हैं बी, दोनों का प्रेशर सेम कर देते हैं। तो ए का प्रेशर जब हम लिखने जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इस जगह का प्रेशर लिखो, इस जगह का प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस 40 कॉस थीटा डिवाइड बाई T2, ये जाएगा प्रेशर, प्लस रो जी एच, प्लस रो जी एच ये हो जाएगा, ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होगा, यहाँ के यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस 40 डिवाइड बाई 40 कॉस थीटा डिवाइड बाई D1 इसके बराबर हो जाएगा। P0 से P0 हम कैंसिल कर देंगे, जब हम P0 से P0 कैंसिल कर देंगे तो उसके बाद हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट की जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो हाइट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से, एच एच की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी यहाँ पर 40 बाई रो जी D2 माइनस D1 बाई D1 D2 सॉल्व कर लेते हैं उसको, ठीक है, इनटू कॉस थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये हमारी हाइट आ जाएगी। कौन सी हाइट आएगी, जो यहां पर हमने निकाली थी, कौन सी, ये वाली हाइट जो डिफरेंस हमारा आया था, ये वो वाली हाइट आ जाएगी, ये वाली जो ये आई थी ये आ जाएगी। कुछ नहीं, खाली प्रेशर लिखना था और सॉल्व करना था, ठीक है।